नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम टीवी खास कार्यक्रम हेल मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग बीमारी पर चर्चा करते हैं और कुछ ऐसे योग्य व्यक्तियों को आपके सामने रूबरू कराते हैं जिनका एक इतिहास रहा है। ऐसे ही एक इतिहास से एक नया इतिहास बनाने वाले डॉक्टर आर एस दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। 50 साल से ज़्यादा का सर्जरी का अनुभव, लोहिया के एक्स डायरेक्टर और समर्पण ग्रुप के चेयरमैन आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज उनसे जानेंगे सर्जरी के बारे में और एक विशेष टॉपिक के बारे में भी जिसको लेकर आमतौर पर हमेशा भ्रांतियाँ फैली रहती हैं और लोग लापरवाही ही करते हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो हमारा अगर बात करें सर्जरी की, तो आमतौर पर सर्जरी की, क्योंकि आपका 2.5 लाख से ज़्यादा सर्जरी की जानकारी हमको मिली है कि सर्जरी की है, 50 साल का अनुभव आपका है, तो सर्जरी में अगर देखा जाए आमतौर पर तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, एक लंबा इतिहास हमारे साथ जुड़ा हुआ, सर्जरी का जुड़ा हुआ है। और जैसे आपने बताया कि करीब 1973 से मैं सर्जरी करता आ रहा हूँ और 2.5-3 लाख से मैं सर्जरी कर चुका हूँ और हर तरह की सर्जरी कर चुका हूँ। जब इस सर्जरी के बारे में लोग बहुत डरते थे और सर्जरी का विकास 1971-72 में बहुत था, लेकिन उतना नहीं जितना आज के समय में है। तब दूरबीन से आप ऐसे नहीं हुआ करते थे, रूटीन क्लासिकल सर्जरी हुआ करती थी। हम लोग उस तरह के प्रोडक्ट हैं, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है जहाँ हम लोग हर तरह की सर्जरी करते हैं। दूरबीन सर्जरी होती है, रूटीन सर्जरी होती है, क्लासिकल होती है, बहुत चीज़ें होती रहती हैं। और सर्जरी कराने वाला और करने वाला दोनों को बहुत ही एहतियात बरतना पड़ता है और एक भय का माहौल होता है, जिसका कोई डॉक्टर हम बता देते हैं कि तुम्हारी सर्जरी होनी है तो वैसे आदमी डर जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतनी जानकारी लोगों को नहीं है। इतनी सुविधाएँ अब तो हो गई, पहले नहीं थी, लेकिन अब हम उस फील्ड में आ गए जहाँ हम निश्चिंत होकर किसी आदमी से की सर्जरी कर सकते हैं और करा सकते हैं। चूँकि आज हम बात विशेष टॉपिक की कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है वो है हर्निया। क्योंकि हर्निया को लेकर आमतौर पर भ्रांति भी फैलती है और साफ तौर पर ये भी देखा जाता है कि लापरवाही बहुत होती है, और ख़ास तौर से अगर बात देखी जाए तो नवजात में भी हर्निया के यहाँ पर जो बीमारी के यहाँ पर जो काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं, और देखने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि उनको ऑपरेशन कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो आज हम हर्निया के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे हर्निया है क्या? हर्निया को अगर हम एक मोटे आम तौर की भाषा में कहना चाहें जी, कि शरीर के किसी हिस्से से, चाहे जन्म से ही दोष हो या जन्म के बाद दोष हो या ऑपरेशन के बाद स्कार जो होता है जहां हम लोग सिलाई करते हैं वो कमज़ोर हो जाए, वहां साथ निकलती हो, या पेट के अंदर भी कुछ जगह होती हैं जो जन्मजात दोष होते हैं वहां पे कुछ चीज़ जाके फंस जाए, उसको हम हर्निया बोलते हैं। नाम अमून बोलचाल की भाषा में हर्निया को मैं यूँ कहूँगा कि जब कोई भी शरीर का पार्ट विसरा कहीं से बाहर निकलता है उसको हम लोग हर्निया बोलते हैं। और हर्निया जो सबसे कॉमन है आज के समय में, वो जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं वो है इंग्वाइलन हर्निया, यानी पेट के निचले हिस्से में एक सूजन सी हो जाती है, उसको हम लोग हर्निया बोलते हैं जी। उस हर्निया का पहले शुरुआत तौर पे जो शुरू होता है, फिर बढ़ते 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 काफ़ी बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि वो स्क्रोटम में ही उतर आता है। और अगर उसको समय से उसका इलाज नहीं किया गया, नहीं कराया गया, तो उसमें आँतें फंस जाती हैं, और आँतें फंसते आँतें सड़ जाती हैं, और सड़ने के बाद भी अगर तब जब मरीज आता है कभी देहातों से, गाँव से, तो उसमें कभी जान का खतरा भी हो जाता है। पर जो नवजात में लगातार हम हर्निया के किसे सुन रहे हैं, क्या कारण है इसका जी और क्यों हो रहा है? और ये भी कहा जाता है कि ऑपरेटिंग के लिए भी डॉक्टर समय मांगते हैं कि इस समय हम इतनी उम्र पे हम ऑपरेट करेंगे, तो सर क्या नवजात का भी तुरंत ऑपरेट कर सकते हैं, या जो लगातार हर्निया नवजात में हो रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, हर्निया काफ़ी कुछ नवजात होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजेंडल हर्निया बोलते हैं जी। वो बच्चा, एक जानकारी पहले दे दूँ आपको मैं जी, कि मेल्स में हर्निया ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है जी। उसकी वजह यह है कि मेल्स में डेवलपमेंट में जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जो हमारे टेस्टिस होते हैं बच्चों के जी, मेल्स के, वो पेट के अंदर पैदा होते हैं, वो 9 महीना होते होते उसके स्क्रोटम में नीचे आ जाते जी। तो जहाँ से ट्रैवल करते आते हैं वहाँ एक सुराख रह जाता है जी, जो कि ये जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो सुराख बंद हो जाता है, लेकिन पोषण वीक होता है वो जी। तो किसी किसी में वहाँ से हर्निया शुरू हो जाता है, पैदा होने के बाद शुरू हो जाता है। अच्छा। कभी पैदा होने के समय भी हर्निया रहता है जी। उसमें हम ये कहते हैं कि अगर बच्चे का बिल्डअप अच्छा है, विद इन ए वीक कराना चाहते हैं तो ऑपरेशन हो जाता है जी। अब कोई समस्या नहीं, क्योंकि इतनी बढ़िया सुविधाएं आने की हो गई कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हम
और खूब होते हैं, हम लोग करते रहते हैं जी। हाँ, अगर गैप ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम लोग कहते हैं कम से कम 6 मंथ रुक जाइए फिर करा लीजिए, लेकिन करा जरूर लेना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। अच्छा, कि रोकने पर वो जो गैप है वो बढ़ता जाएगा फिर रिपेयर में प्रॉब्लम होती है, फिर कॉम्प्लिकेशन होती हैं जी। सर बर्तनों में होता है, आपने बताया कि माँ से भी आता है और नहीं, और अगर देखा जाए तो हड़ने के मूलभूत कारण क्या है, क्यों हो जाता है, क्या खराब जीवन शैली का कारण है, या वास्तव में कि ये बर्तनों होता है, या कुछ अलग ही इसका कारण है? देखिए, हड़ने के बहुत से कारण में गिरा, मैंने आप एक जन्मजात होता है जी, मैंने आप ये भी बताया जी। दूसरा लाइफ स्टाइल जी, या कहीं प्रेशर है, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर है, पेट के अंदर प्रेशर बढ़ जाए, वो कैसे बढ़ेगा जी, आपको खांसी आ रही है जी, पॉइंट वीक है, लगातार आप खांस रहे हैं, हफ्तों में महीनों खांस रहे हैं आप जी, आपको हो जाएगा जी। अगर पेशाब में रुकावट है जी ओल्ड एज में जी, उसमें क्या होता है कि जो ओल्ड एज में जब पेशाब नहीं हो पा रहे तो जोर लगा रहे हैं, या स्ट्रक्चर हो गया है जी, या आपको मोशन में जाके घंटों बैठे जोर लगा रहे हैं जी, तो जहाँ भी वीक पॉइंट होगा वहाँ से आंतें बाहर आना शुरू हो जाती है जी, या पेट में पानी आ गया जैसे लीवर सिरोसिस में अक्सर होता देखा गया है जी, जी। तो जहाँ भी स्पेस होगा वहाँ से वो हार्निया बना लेगा वो जी। फिर मैंने बताया था आपको कि जो कॉमन कारण खूब मिलता है वो है इंसुलिनल हार्निया, ऑपरेशन के बाद क्या मिल जाता है जी। रेयरली हमने अपने लाइफ ये भी देखा है कि इंटरनल हार्निया होता है, अच्छा, जिसमें कि आंतों के अंदर भगवान कुदरती कुछ सुराख होते हैं, जैसे डायफ्राम होती है जो कि चेस्ट को और पेट को अलग करती है जी, वहाँ पे गैप हो जाता है, उसको हम लोग डायफ्राम की हार्निया बोलते हैं, वहाँ हार्निया हो जाता है जी। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि जब भी पेट के अंदर प्रेशर बढ़ेगा जी, चाहे हवा से जी, चाहे आंतों से, चाहे पानी से भरने से जी, तो हार्निया होना अवश्यंभावी है। सर अच्छी जानकारी दी। उपचार की अगर बात करें तो उपचार कैसे हो सकता है, क्या दवा से ठीक हो सकता है, या केवल इसको ऑपरेट करना पड़ता है? क्योंकि उपचार को लेकर भी तमाम जो भ्रांतियाँ वो फैली हुई हैं जी, क्योंकि लोग हड्डे को देखते हैं हम ऑपरेशन कराने डरते भी हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, हड्डिया एक ऐसा शब्द है जो कि जो जानकारी के भाव में और डर के भाव में जी लोग इसका इलाज नहीं कराते हैं जी। मैं स्पष्ट शब्द में कहना चाहता हूँ, अगर हड्डिया हो गया जी तो आप टन्स मेडिसिन खाइए, लाखों रुपए की दवा खा लीजिए, कोई पैथी कर लीजिए, वो नहीं ठीक होने वाला। अच्छा, ना प्रिकॉशन ना कुछ, उसका एक ही मात्र इलाज है ऑपरेशन। पहले हम लोग बेल्ट एडवाइस किया करते थे, मैंने कभी नए लाइफ में नहीं किया क्योंकि वो हमेशा नुकसान करता है जी। लेकिन अक्सर डॉक्टर्स पहले बेल्ट अप्लाई कर देते थे जी, जी। लेकिन वही गलत टेक्निक था, बेल्ट लगाने से बहुत नुकसान होता था जी। कभी बेल्ट दवा देती दांत फट जाती थी, लगाते लगाते पोर्शन वीक हो जाता था, और हार्निया बेल्ट से रुकता भी नहीं है, एक मन को सेटिस्फेक्शन दे देता है जी। कुछ पैथी वाले कहते हैं हम दवा ठीक कर देंगे जी। लेकिन बिल्कुल एक क्लियर समझिए कि हार्निया अगर हो गया जी तो सिवाय ऑपरेशन के और कोई चारा नहीं है जी। सर आप समर्पण ग्रुप के चेयरमैन हैं सर जी, बड़ा इंस्टीट्यूट है आपका सर, बड़ा हॉस्पिटल है, और जैसा कि हमने देखा है यहाँ पर प्राइम टीवी टीम ने यहाँ पर देखा है कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया भी गया। आधार सलाह रखने की कब विचार आया और क्या सोच के सर इसको आधार रखा है, क्योंकि अगर बात करें तो प्रदेश के बड़े हॉस्पिटलों में गिनती होती है। ये बड़ी इत्तफाक की बात है, ईश्वर कृपा है, मैं इतना कहना चाहूँगा जी कि मैं 2009 में डॉक्टर एम एल हॉस्पिटल में CMS और डायरेक्टर के पद पर काम कर रहा था जी, और मैंने RML को इंडिया में प्रथम स्थान दिलवाया था NABH करा करके, बीइंग द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया टू गेट NABH सर्टिफिकेशन। उस क्रम में शासन ने मुझे 2 साल का फिर 1.5 साल का एक्सटेंशन दिया, वो भी मेरा टर्म टेन्योर 12 तक ख़त्म होने वाला था जी। और मुझे लगा कि 12 के बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे सिर में फील करता था नहीं, आई हैव कैपेसिटी, मेरे में है, मैं कुछ कर सकता हूँ, और समाज ने मुझे बहुत दिया है, तो समाज को मैं बदले में क्या दे सकता हूँ, ये मेरे विचार मेरे मन में आया 2009 में आया। उसके बाद मैंने एक कल्पना परिकल्पना की, एक बाहर जहाँ आज बैठे हैं आप, जहाँ उस चीज़ की आप तारीफ कर रहे हैं, यहाँ मैंने अस्पताल शुरू किया। इसके साथ में ही फिर हमने नर्सिंग कॉलेज शुरू किया, जिसमें आज MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, GNM, ANM, पैरामेडिकल्स, फिर फार्मेसी में B Pharma, M Pharma, D Pharma, और बहुत से कोर्सेज मैंने एक एक शुरू कर चला गया, अस्पताल भी बढ़ता बढ़ता चला गया।
और फिर मैंने यहाँ इसका QCI कराया, मैंने कितनी भी चीज़ करता गया। और मैं आप मुझे बताने बड़ी खुशी हो रही है गौरव जी जी कि समर्पण इंस्टीट्यूट नर्सिंग इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल साइंसेज इज ओनली वन हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट जो है इस समय जो कि QCI रैंकिंग में टॉप पे है। वो क्या बात, हमारे पास 6 ब्रांचेज हैं, 6 में हमने ए ग्रेड हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जैसा मुझे बताया गया है फैकल्टी के द्वारा कि वी आर द ओनली वन हॉस्पिटल इन UP जी जिनके ऑल फील्ड्स में ए ग्रेडिंग है। क्या बात, तो वहाँ से मन में आया कि शुरू करूँ। और फिर बच्चे जैसे मैं आगे बढ़ा, लोग जुड़ते गए, एक कारवा बन गया, करते करते जिंदगी के मुकाम में यहाँ पहुँच गया। इसमें करीब 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत से इस फील्ड में गरीब बच्चे आते हैं, गरीब लड़कियाँ आती हैं। उस 1200 में कम से कम 80% जो लड़कियाँ हैं जो बहुत ही गरीब समाज से आती हैं, और उनको हम जो ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, करते हैं, जाके तुरंत सेवा भाव में जाके काम करती हैं जी। और इस तरह से मैंने जो समाज से लिया उस समाज को देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर RS दुबे। उन्होंने बताया कि लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, लंबा चिकित्सीय अनुभव, उसके साथ साथ यहाँ पर समर्पण ग्रुप की आधारशिला रखने वाले डॉक्टर RS दुबे ने बताया कि किस तरह उन्होंने यहाँ पर मेहनत और संघर्ष के बाद व्यवस्थाओं के साथ इतिहास बनाया है। हॉस्पिटल भी खोला है, इंस्टीट्यूट भी है, और उनका कहना है कि मानव सेवा सबसे ज़रूरी है। समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, इसे हमको भी समाज को देना चाहिए। और आज जिस तरह से उन्होंने हारने के बारे में बताया, ये बहुत ही उल्लेखनीय टॉपिक रहा है, क्योंकि भ्रांतियाँ फैली हुई थी उपचार को लेकर, बचाव को लेकर। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी पैथी में इसका इलाज नहीं है, ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो अभी की हेल्थ मंत्रा में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए PRIME TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं PRIME TV, सच साहस सरोकार। शांति डायग्नोस्टिक सेंटर सभी तरह की मेडिकल जांचों के लिए उन्नाव का सबसे विश्वसनीय संस्थान। पता रोशन खेड़ा, निकट CHC पूर्वा, उन्नाव। हमारे यहाँ मेडिकल जांच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। बेहतर उपचार, उच्च स्तरीय उपकरण, सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राजधानी लखनऊ का विश्वसनीय स्वास्थ्य संस्थान एराइज हॉस्पिटल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ। पैरामेडिकल्स कोर्सेज के लिए प्रदेश का एकमात्र सर्वोच्च शिक्षण संस्थान। युवाओं के सपनों को जहां मिलती है उड़ान, अपने सपनों को पूरा करने के लिए चुने बाबा हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, देवा रोड, मटियारी, चिन्हट, लखनऊ। अगर आपको भी सताता है हड्डियों का दर्द, तो हम करेंगे उसका पूरा इलाज। आइए हमारे पास ऑर्थो एंड न्यूरो पेन क्लिनिक, C2199 C ब्लॉक, इंदिरा नगर, निकट लेबर अड्डा चौराहा, लखनऊ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी COVID-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं, विकास प्रोडक्शन.gfx@gmail.com पर।